हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा मन कर रहा था चिकन कढ़ाई खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज पाकिस्तानी कढ़ाई चिकन बनाते हैं। सबसे पहले मैंने मार्केट से मंगाया चिकन, उसको अच्छे से वॉश करके मैंने लिया लोहे की कढ़ाई, उसमें डाला सरसों का तेल एंड देन मैंने उसमें डाला चिकन। उसको अच्छे से भूने तब तक जब तक चिकन का कलर ब्राउन हल्का ना हो जाए। और फिर मैंने टोमेटोज़ लिया, उसको बीच में से सिंगल कट कर दिया। और फिर उसके बाद जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें मैंने डाला सॉल्ट एंड देन मैंने उसको मिक्स कर लिया। एंड आफ्टर सम टाइम मैंने उसमें अदरक एंड लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून, और उसको भी अच्छे से चिकन में मिक्स कर दिए। कुछ थोड़ी देर बाद उसमें मैंने डाला हरी मिर्च, उसको मिक्स करके मैंने उसमें डाला टमाटोज। इसको बारीक नहीं काटना है, इसको एज इट इज ऐसे रख देना है और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है धीमी आंच पे। जब तक ये हो रहा है तब तक अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून ऑल गरम मसाला मिक्स मैंने यूज़ किया, पीसी धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले। और आप देखेंगे ढक्कन हटाने के बाद कि ये टोमेटोज का ऊपर पील ऑफ हो जाएगा, तो आप इसे नाइफ की मदद से हटा लीजिएगा। टोमेटोज हटाने के बाद आप जितने वो मसाले निकाले थे वो उसमें डाल दीजिए और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि मसाला जले ना, तो आप थोड़ा सा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें 1 स्मॉल बाउल वाटर डाला है ताकि मसाला जो है जले ना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी इसीलिए। ना आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छे से पक रहा है। इसे ढककर पकाइए, ये बहुत टेस्टी होने वाला है।